नरवर किले के राजा नल की कुल देवी आज भी कर रही है खजाने की रक्षा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर में स्थित राजा नल के किले पर माँ दुर्गा जी की प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में स्थित है। यह देवी शेष नाग को लपेटे हुए लेटी अवस्था में है। देवी जी के मस्तिष्क पर 7 फन का शेष नाग दृष्टिगोचर होता है। देवी भागवत के अनुसार शेष नाग लपेटे हुई देवी को भुजंग वलिया कहा जाता है। इतिहास जानकारों के अनुसार महाभारत काल में जब राजा नल जुए में अपने भाई से सारा राजपाट हार गए थे तो वे अपनी पत्नी को लेकर जाने लगे। तभी उनकी कुल देवी खजाने की रक्षा के लिए किले के दरवाजे के समीप आकर लेट गई। तभी से उनका नाम पसर देवी पड़ा। शिवपुरी जिले के नरवर इलाके में यह किंवदंती काफी प्रसिद्ध है। किले के मुख्य द्वार पर 12 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी पसर देवी की मूर्ति की दोनों भुजाओं के नीचे 7 से 8 फीट गहरा गड्ढा नजर आता है, जिसमें सिक्का डालने पर खनने की आवाज भी आती है, इसलिए इसे धन से जोड़ा जाता है। इतिहास जानकारों के अनुसार पूर्व में कई लोग लेटी हुई माता के नीचे स्थित गुफा में खजाने को उठाने के लिए गए, लेकिन उनकी अभी तक वापसी नहीं हो पाई है। आइए जानते हैं माँ पसर देवी के इतिहास। महाभारत काल में राजा नल जब जुए में अपने भाई से सारा राजपाट हार चुके थे, तब वह अपनी पत्नी को साथ लेकर जाने लगे। तब खजाने की सुरक्षा के लिए उनकी कुल देवी किले के मुख्य द्वार पर आकर लेट गई थी। बस तभी से उनका नाम पसर देवी पड़ा। शिवपुरी जिले के नरवर में ये काफी प्रसिद्ध है। किले के मुख्य द्वार पर 12 फीट लंबी 8 फीट चौड़ी पसर देवी की मूर्ति की दोनों भुजाओं के नीचे 7-8 फीट गहरा गड्ढा नजर आता है, जिसमें सिक्का डालने पर खन की आवाज आज भी आती है, इसीलिए इसे धन और खजाने से जोड़ा जाता है। यही इस जगह की खास विशेषता रही है।